आज हम आपको लेके आए हैं बैरिया हाइट्स, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग्जरी अपार्टमेंट है। और इसी के साथ ही आज भी हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद तौसीफ खान साहब। तो आइए कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चीज़ें जिस तरीके से हम पिछली वीडियो में भी बताते आ रहे हैं, तो आज बैरिया हाइट्स के हवाले से बताएं। चुके हैं बैरिया हाइट्स के इंट्रेंस पे और मैं आपको व्यू भी देता हूँ, और आपने इसके प्रोमो में ऑब्वियसली देखी भी होंगी इसका टोटल व्यू, लेकिन मैं आपको इसका स्ट्रीट व्यू भी ज़रूर देता हूँ। इस टाइम पे व्यूअर्स हम आ चुके हैं बैरिया हाइट्स में, और आपका मेरा कैमरा अगर आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और बाकाया चीज़ें अगर हम तौसीफ भाई से पूछें तो तौसीफ भाई बताएं ज़रा कितना स्क्वायर फीट में है, कितने बेड हैं, कितनी क्या क्या इसकी गुड पॉइंट्स हैं, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी हसन भाई, इसमें इस तरह से है कि जो हमारे बैरिया हाइट्स के अपार्टमेंट्स हैं, इनका साइज़ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है साइज़, जो कि 1100 स्क्वायर फीट पे हैं। और जबकि जो दूसरे हमारे टावर्स हैं जो कि बैरिया की एंट्रेंस के पास हैं, इनका साइज़ 950 स्क्वायर फीट है। यहाँ पे फिर वही टू बेड का कॉन्सेप्ट है जो कि इनिशियल स्टार्ट के टावर्स में दिया गया, लेकिन यहाँ पे उनका थोड़ा सी लग्जरी आप कह रहे हैं कि एनहांस कर दी गई है। जी जी जी, इनर और आउटर का कॉन्सेप्ट है, अपार्टमेंट्स भी हैं और आउटर अपार्टमेंट्स भी हैं। तौसीफ भाई, इसके अंदर अगर हम कंपेयर करें प्रीसेंट 19 पे जो टू बेड अपार्टमेंट्स हैं उनमें और बैरिया हाइट्स में क्या फ़र्क है, ज़रा ये भी बताएं। सबसे बड़ा फ़र्क तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसके नीचे कमर्शियल शॉप वगैरह दी गई है। जी जी, यहाँ पे कमर्शियल शॉप दी गई, जबकि प्रीसेंट 19 में एक वो कमर्शियल एरिया दिया गया, तो उसमें यह है कि हर बंदे को उस कमर्शियल एरिया तक आना है। इसमें ये आपको सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी कमर्शियल रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो नीचे की शॉप्स में ही अवेलेबल होंगी। ठीक ठीक, अच्छा। और अभी बैरिया में लास्ट टाइम इसकी पोजीशन के हवाले से कुछ अनाउंसमेंट करी थी कि हम जून में एटलीस्ट टावर ए और एच की पोजीशन दे देंगे, लेकिन अभी तक बैरिया ने पोजीशन नहीं दी, और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी स्टार्ट भी हुए इस वजह से। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि दे देने चाहिए थी जो इतना भी मजीद 6 महीने लेट कर दिए। जी, बैरिया तो इसी कोशिश में था कि पोजीशन दे दी जाए, लेकिन आप सबको पता है कोविड की वजह से थोड़े से मामला जो है ना मुतासर हुए हैं, तो बस वही एक रीज़न था, क्योंकि मजदूर में काम करते हैं तो चीज़ें पोजीशन जो है वो इंशाल्लाह जल्द ही यहाँ पे दे दी जाएगी। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा माजरत के साथ, एक तो मेरी वीडियो क्वालिटी में कुछ फ़र्क आ रहा हो, तो मौसम बहुत अच्छा हो चुका है कराची का, बरसात है तेज, और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जिन लोगों ने अपार्टमेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी बुक कराए हैं उनकी यहाँ पर रिहाइश के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो बहुत ही लग्जरी रिहाइश होने वाली है, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये टावर। तौसीफ भाई, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी चीज़ों से आगाही करी है। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए मेरा कॉन्टेक्ट और तौसीफ भाई का भी कॉन्टेक्ट स्क्रीन पे आ रहा है। इस तरीके से हम हर वीडियो में आपको कहते हैं कि आप फिल फ्री हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन की सूरत में। कुछ इन्वेंट्रीज हमारे पास मौजूद भी होती हैं तमाम प्रीसेंट्स के हवाले से, उनके रेट्स भी आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं हमसे सेल परचेज की सूरत में। आप सब लोगों की मोहब्बतें हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही हैं, और आप लोगों से गुजारिश एक ही हम करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजिम आप प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली नई वीडियो आप तक इजीली पहुंचे। बहुत शुक्रिया, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। एहसान इमाम, बैरिया टाउन, कराची।